चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह, इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे वाले संग्राम में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों के वकील और दलील के बाद कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, लिहाजा शर्तों के साथ इसे किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कल से सर्वे का काम शुरू हो सकता है। एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा, जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाए। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को कराएंगे। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। वहीं कुछ ही घंटों तक चले सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन की रोक लगाते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कही थी। अब हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। मेरा यही मानना है कि जितने भी लीगल रेमेडीज हैं, जितने भी लीगल रास्ते मौजूद हैं, वो सभी लीगल रास्तों को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि सही तौर पर फाइनल डिसीजन आ सके। लेकिन जाहिर सी बात है जो फाइनल डिसीजन है वो मस्जिद की लीगल कमेटी लेगी और उसके बाद ही तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस अपील फाइल की जाएगी कि नहीं। अब सर्वे का सिस्टम देखें तो ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान एएसआई की टीम वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करेगी। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। परिसर में कहीं पर भी खुदाई नहीं होगी और एएसआई वजूखाने के उस एरिया का सर्वे नहीं करेगी जहां कथित आकृति मिली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये एरिया अभी सील है। वहीं मंदिर बनाम मस्जिद वाले सर्वे पर सियासी संग्राम भी शोर कर रहा है। देश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह, इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारी हम तो यही चाहते हैं। हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। बहरहाल मंदिर और मस्जिद की महाभारत में सर्वे को तो हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल ही गई, लेकिन घमासान अभी बाकी। वहीं एएसआई सर्वे के आदेश और सियासी बयानों के आधार पर सवाल ये है, क्या ज्ञानवापी का मुद्दा अब अयोध्या वाली राह पर है?